हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल तैयारी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। साथियों, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए, स्पेशली मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। मध्य प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। काफी लंबे समय से भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई है, मध्य प्रदेश में वैकेंसीज आ नहीं रही है, जिसको लेकर विद्यार्थियों में भी निराशा का माहौल है। लेकिन बहुत ही जल्द आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी देश में लोकसभा चुनाव के संबंधित आचार संहिता चल रही है, जिसके चलते बहुत सारे पद भी रुके हुए हैं। तो ऐसा ही एक अपडेट निकल के आया है कि बहुत जल्द लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे टाइटल में भी कि एमपीपीएससी और ईएसबी जून से कराएगा भर्ती परीक्षा। सबसे अधिक जो भर्तियां होंगी आपकी शिक्षा विभाग में होंगी। बहुत से जो पहले से भी अलाउंस थी डेट्स एग्जाम्स की जो होनी थी आपकी अप्रैल मई में, उनको भी आगे शिफ्ट किया गया था आचार संहिता के कारण। और भी बहुत सारे जो कैलेंडर में जो चीजें थी, बीच में कैलेंडर में भी व्यापम के संशोधन हुआ था, दो पार्ट्स में उनका वैकेंसीज लेने का प्लानिंग था, और आचार संहिता के कारण बहुत से जो भर्ती परीक्षाएं थी उनके अनाउंसमेंट नहीं हो पाई थी। लेकिन आपको आचार संहिता हटने के बाद बहुत सारे पद मिलने वाले हैं, जिसमें सर्वाधिक पद आपके शिक्षा विभाग से संबंधित हो सकते हैं। जैसे कि आपके सब ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 आदि भर्तियों में भी बहुत सारे पद देखने को मिल सकते हैं। इसी में आप देख सकते हैं कि एमपीपीएससी की भी जो भर्तियां थी वो भी आगे शिफ्ट की गई थी। अब जून के बाद आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है। 9 जून को एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा भी है आपकी जून में। इसी संबंध में हम देखें तो एजुकेशन विभाग में सबसे ज्यादा भर्ती पद रुके हुए हैं, जिसमें आपका ग्रेड 2 ग्रेड 3 के जो आपके टीचर के पद हैं उनका भी परीक्षाएं होने वाली है। ग्रुप 2 की परीक्षाएं हो चुकी है और ग्रुप 3 में भी परीक्षाएं होने वाली है। इसी के साथ साथ जो आपकी एक वैकेंसी जो जिसका छात्र बेसब्री से 7-8 सालों से इंतजार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा, हो सकता है कि इस वर्ष आपको मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं देखने को मिले, क्योंकि विभाग अपने स्तर पर पहल कर रहा है। और अभी जैसे कि पहले व्यापम कराता था मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं, लेकिन अब ये परीक्षाएं करवाएगा आपका पुलिस मुख्यालय, एमपी पुलिस विभाग के द्वारा ये परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसलिए ईएसबी का इसमें कोई रोल नहीं बनता है। पुलिस मुख्यालय ने अपने स्तर पर परीक्षा की तैयारी कर ली है और बहुत जल्द आपको लगभग 700 से 1000 पदों पर एमपी पुलिस एसआई की परीक्षाएं देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ आपकी महिला सुपरवाइजर और आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे पद खाली हैं, विभागों में बहुत सारे पद खाली हैं, जिसके लिए विभागों को पत्र भी भेजा जा चुका है। प्रमुख सचिवों के स्तर पर भी ये बात हो चुकी है। ये प्रस्ताव विधानसभा चुनाव के पहले भी भेजे गए थे, लेकिन किसी कारणवश सहमति नहीं बन पाई थी और उसके बाद ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाई और लोकसभा चुनाव की भी आचार संहिता लग गई। लगभग 30 विभाग हैं जिसपे बहुत सारे पद खाली है, जिसमें आपके उच्च शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, पुलिस विभाग, ऐसे बहुत सारे जो पद है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसमें बहुत सारे पद है जिसपे की भर्तियां होने वाली है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारियों को और अच्छा रखिए, क्योंकि भर्तियां कभी भी आ सकती है। सीमित समय मिलता है आपको और काफी समय से भर्तियां नहीं आने से भी निराशा का माहौल है विद्यार्थियों में, थोड़ी सी पढ़ाई छूट गई है, लेकिन अपनी पढ़ाई की धार को आप और मजबूत करिए। लगभग साल भर पहले पटवारी की परीक्षाएं हुई थी, उसके बाद कोई भी ऐसी विशेष परीक्षा देखने को नहीं मिली मध्य प्रदेश के संदर्भ में, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है, जिसके लिए आप अभी से अपनी तैयारी के लिए जुट जाइए। और बहुत जल्द ही हम आशा करते हैं कि कैलेंडर अपडेट हो और जून माह के बाद आचार संहिता हटने के बाद निरंतर पद आते रहें और रोजगार के नए अवसर सृजित होते रहे। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।